हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली ब्लॉगर पूजा। तो आज है बिजनेस डे और आज है 1 अप्रैल। तो आपने किस किस का फूल बनाया बताना जरूर। वैसे मेरी वीडियोस थोड़ी लेट ही जाती हैं आजकल, क्योंकि ब्लॉग्स ज्यादा बन गए हैं और फिर एक टाइम पे एक ही ब्लॉग जा पाता है। बट फिर भी कभी कभी मैं कोशिश करती हूँ कि रेसिपीज वगैरह अगर मैं बनाती हूँ तो मैं 2 भी डाल देती हूँ एक दिन के। तो यहाँ पे मैं आ गई बाथरूम में और धोने हैं कपड़े, तो मैं मशीन चला दूंगी और कपड़े धुलते रहेंगे। आज मैं कुछ और भी दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। आज मैं दिखाऊंगी एक्चुअली अब बीज वगैरह जो लगाने हैं ना, तो वो शायद आज लगाएंगे, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि कौन कौन से बीज हम लगा रहे हैं और कौन कौन सी फसलें आगे आने वाली हैं। फसलें नहीं, मतलब सब्जियों वगैरह के जो भी बीज होते हैं वो कौन कौन से लगेंगे, तो वो मैं आपको आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो ना हमारे यहाँ पे ये वाला टैप है, तो इसमें वो पतली वाली पाइप जो है वो नहीं लग पाती है, तो इसलिए हम ये जो ड्रेन वाली पाइप होती है ना इसकी मशीन की, उसी से पानी भर लेते हैं बता दो वैसे, क्योंकि इसमें ऐसे करके ये वाली पाइप आ जाती है। ये यहाँ पे ऐसे ऐसे हमारा काम चल जाता है। ये इसी पाइप से भरता रहेगा, थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा पानी ऐसे ही चलता है घर पे। एक्चुअली कपड़े ज्यादा गंदे हो जाते हैं ना, क्योंकि नीचे बैठते हुए बाहर बैठते हुए कपड़ों में मैल ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा गुनगुना पानी उसमें हम धोते हैं। तो मैं कपड़े जो है मशीन चला दूंगी और उसके बाद शेयर करूंगी आपसे कि कौन कौन से बीज हम लगा रहे हैं आज और कैसे लगाएंगे। मेरी सब्सक्राइबर है सीमा देओल जी, तो वो बहुत अच्छी गार्डनिंग लवर कुछ ऐसा है उनका, सीमा देओल। तो आप बताना कि हमने सही लगाए कि नहीं लगाए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी वीडियोस डाली हैं अपने चैनल पे। स्टार्टिंग में मैंने देखी थी, फिलहाल ये क्यों बोलूँगी, मैंने आज कल में देखी है। तो बताना आप हमने सही लगाए कि नहीं लगाए। तो चलो अब थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे, पहले मैं ये जो कपड़े धुलने वाला जो काम है ये कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबके कपड़े अलग अलग, मतलब देख के कि किसकी पॉकेट में क्या है, ऐसे छांट के जो इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि कई बार पॉकेट में कुछ ना कुछ चीज़ रह जाती है। ज़्यादातर पापा के और आदित के पॉकेट में तो कई बार पत्थर भी होते हैं। तो बस ये करके अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे रूम में, और ब्लैंकेट धोने थे एक्चुअली, तो ये बेड बॉक्स खोला है मैंने, यहाँ से 2 ब्लैंकेट में निकाल लूँगी धोने के लिए। जब भी कुछ बेड बॉक्स खोलो या कुछ ऐसा तो पुरानी चीज़ें मिल जाती है ना, तो ये ना ये वाला, ये मेरी शादी का रीड़ा है, रीड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आपके क्या बोलते हैं, जो चुनरी होती है ना उसको रीड़ा बोलते हैं। तो ये मेरा रीड़ा है शादी का, तो मैं ना हिमाचली लुक क्रिएट करूंगी। आप मुझे बताना कि मैं करूं कि नहीं करूं, जो हिमाचली ट्रेडिशनल लुक होती है तो मैं करूंगी क्रिएट। कमेंट करके बताना कि करूं कि नहीं करूं, तो मैं जल्दी से करूंगी अगर आपके बहुत सारे कमेंट आएंगे तो। ये देखो कितना सुंदर है, और इसमें आगे ये भी लगी हुई है। तो ये मेरी शादी का है, इसको मैं ना लेके चली जाऊंगी, क्योंकि जब करवा चौथ वगैरह या कुछ ऐसा होता है ना व्रत वगैरह, तब याद आते हैं ये चीजें कि ये चाहिए होती है। क्योंकि उस टाइम पे होता है कि अगर आप नया कुछ नए चाहे ना भी खरीदो, लेकिन अगर आपके पास आपकी शादी का ये ना रीड़ा होता है ना, तो आप उसको ओढ़ सकते हो। तो ये देखो, ये रीड़ा तो मैंने खुद खरीदा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि रीड़ा ससुराल वालों की तरफ से होता है, क्योंकि बिलासपुर में रीड़ा ससुराल वालों की तरफ से होता है, तो इसलिए ये रीड़ा मैंने खुद खरीदा था। और जो ससुराल वालों का रीड़ा, और ये मेरी सगाई की चुन्नी है, ये मुझे सगाई पे चढ़ी थी, ये वाली चुन्नी सगाई पे चढ़ाई थी उन्होंने। और जो शादी वाला रीड़ा है ना, वो मेरा घर पे है, जब मैं कभी घर जाऊंगी ना ससुराल अपने, तो वहां पे पड़ा हुआ है। तो ये दोनों चीजें मेरी है, और सगाई पे बताती
ये वाला सूट दिया था मुझे पहनने के लिए सगाई पे ससुराल वालों की तरफ से, ये सूट था। पर ना ये सूट उस टाइम पे मैं मोटी इतनी हो गई थी कि ये सूट की ये देखो ये फिटिंग भी मुझे वो आ रही थी, टाइट आ रही थी एकदम, बिल्कुल फिट फिट मुझे याद है अभी भी, बिल्कुल फिट आया था। और इसमें ना वो नहीं है, अंदर जगह नहीं है इसमें, अदरवाइज ये सूट सिर्फ मैंने एक ही बार पहना है सगाई वाले दिन, उसके बाद नहीं पहना है कभी भी। ये फ्रॉक सूट है ऐसे, ये देखो। अब सगाई का है ना तो किसी को मन भी नहीं करता है देने को। छोटा सा था ना जब आदित्य पैदा हुआ था, तो जब मम्मी ने आना था मेरे पास, तो बुनते हैं ना स्वेटर, बुन के देते हैं, तो मम्मी ने ये वाली स्वेटर इसके लिए बुनी थी। और इसके पीछे की ये ना बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखो मम्मी ने इसके लिए बुनी थी, ये देखो छोटी सी है बिल्कुल। और जैसे ही मम्मी और उन्होंने ये सामान एक जगह इकट्ठा करके रखा था, उस टाइम पे हमारे पास एक डॉगी था, अब नहीं है वो, उसको तेंदुओं ने खा लिया था। तो उसने ना बिल्कुल मम्मी वगैरह ने जैसे गाड़ी में बैठना था चलने के लिए, सामान उठाना था, उससे पहले उसने ये सारा स्वेटर कुतर दिया था। ये देखो पूरा स्वेटर ना उसने ये देखो गला पूरा ही वो कर दिया है, गला पूरा ही खा लिया था उसने, उधेड़ दिया था। वो बड़ा खतरनाक वाला कुत्ता था वो, उसने मेरी नई चप्पल, वो चप्पल भी खा जाता था। ये आदित्य के लिए बनाई थी मम्मी ने, छोटी सी क्यूट सी स्वेटर। मम्मी को बड़ा दुख हुआ था कि मम्मी ने बनाई भी और आदित्य को पहनने के लिए नहीं मिली। और ये वाली स्वेटर ना मेरी ननद, जो बड़ी वाली ननद है, उन्होंने बना के दी थी आदित्य को। ये मैंने बहुत पहनाई है, आप देख सकते हो इसमें ना पहना पहना के घिस गई है। ये देखो आज मैं ले आई हूं, इसमें बहुत ही पेंसिल चाहिए, सुंदर ऐसा जाली वाला डिजाइन डाला था उन्होंने, बस दो पेंसिल दो ही जब आदित्य छोटा सा था। आओ तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर, ब्लैंकेट जो है ये धोने, तो इनको टब में डालूंगी सूखने के लिए, क्योंकि मशीन में नहीं सूखते हैं, आपको पता ही है, मशीन में धुलते भी नहीं है, सूखना तो अलग बात है क्योंकि कंबल बहुत हैवी हो जाता है और फिर इतना लोड नहीं ले पाती है मशीन। तो इसको हम ऐसे ही टब में डालेंगे सर्फ में, और ऐसे ही बाहर ही इसको मल के साफ करके रख दें, सुखाने भी डाल देते हैं। तो ये मैं टब ले आई हूँ, इसी में आएंगे ये दोनों कंबल, तो बस इसी तरीके से धोएंगे हम इनको। बताओ बताओ एक्सप्लेन करो क्या क्या लग रहा है तुझको? मैं लिफाफे भर रहे हैं जो रिकी वाला। अरे लिफाफे भर रहे हैं हम, क्या है इतने मिट्टी और मिट्टी और गोबर की गली सड़ी खाद है इसमें, वो मिक्स की हुई है। और अब हम इसमें लगाएंगे करेले, काली तोरी और खीरा, लौकी, घिया जिसको बोलते घिया, वो हम इनमें अभी लगा देंगे, जब वो उग जाएंगे तो उनको फिर हम खेत में लगाएंगे ताकि इनमें हवा 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 जाती रहे। तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली ये जो ये पैकेट होते हैं ये मिलते हैं मार्केट में, और इसमें ये जो होल होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि मिट्टी को प्रॉपर हवा की ज़रूरत होती है इसलिए। तो ये जितने हमारे पास बीज है उसी हिसाब से हम ये पैकेट जो है ये लिफाफे इनको भर के रख देंगे, और ये बीज जो है जब इसमें उग जाएंगे उसके बाद इसको ट्रांसफ़र करेंगे मिट्टी में, जैसा कि पापा ने बताया तो वैसा ही करेंगे। पर पहले इनको भर के अच्छे से मिट्टी सेटल हो जाएगी, फिर इसमें थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे बीज। पर ये बीच में है, इसलिए
आएगा ठीक है। ये बता दिए मैंने 21 जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनमें से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा ना उससे पहले अ जरूर लगेगा ठीक है। मतलब अगर नेमिंग वर्ड में भी समझोगे या नेमिंग वर्ड में या फिर वो अब भी समझ जाओगे ठीक है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि इससे पहले तो अ आना चाहिए एन आना चाहिए अगर वॉवल से वर्ड स्टार्ट होगा जैसे कि अल्फाबेट तो उसमें ऐसे वॉव स्टार्ट हो रहा है ना वर्ड तो उससे पहले मैंने एन लगाया ठीक है। और जब भी तुम किसी वर्ड जो भी कॉन्सोनेंट होगा ना 21 कॉन्सोनेंट में से कोई भी कॉन्सोनेंट होगा जिससे वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा तो उससे पहले अ जरूर लगेगा ठीक है। तो ये समझ आ गया ना वर्ड्स क्या होते हैं ठीक है। अब तुम लिखो 1 2 3 स्टार्ट ABCD आराम से लिखना है तुमने ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं रेस कुछ नहीं हो रही है ये रेस नहीं है कुछ नहीं। किजरे लगी लगाने करेले करेले हाँ करेले लगाने करेला एक एक ही लगाने किधे कि दो दो एक एक बोलो इसमें है नहीं इसमें ए हो गए जी करेले नहीं तो बन गई रह गए पर आपको गेम और ए लग गई 200 बीज लौकी लौकी नहीं लौकी लौकी किया हाँ किया जल्दी खा जल्दी खाया ये किसी रहा क्योंकि ये काली तोरी काली तोरी है दल हथ रखा थे ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਰੱਖੂਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਪੜੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 8-9 ਲਫਾਫੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਇਹ ਖੀਰਾ तो बस इसी तरीके से लगा लेंगे इन सारे बीज को हम और देख रहे हो आप इस तरीके से कोई गिर भी रहे हैं नीचे तो बस इनको हमने संभाल के ऐसे घर के पीछे की तरफ रख दिया है जहाँ पे धूप और छांव प्रॉपरली मतलब इनको मिलती रहेगी। और चलिए इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये ऊपर की तरफ छज्जी है तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि इन पे जो है ओस गिरेगी या कुछ ऐसा होगा ये मतलब प्रॉपरली अच्छी जगह में रखे हैं सेफ रहेंगे यहीं पे। और ये टोकरियाँ मैं आपको दिखा देती हूँ ये तो आपने पिछली बार भी देखी होगी इसमें पहले धनिया लगाया था और मिर्चों की भी पनीरी थी इसमें और इन दोनों में भी कुछ ना कुछ मम्मी ने लगा दिया है मिट्टी से भर के रख दिया है इनको